हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं और तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए हैं, जो कि 20 अक्टूबर 2018 से प्रॉब्लम चल रहा है और ये कब तक ठीक हो जाएगा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बता दें, पूरा ऑल इंडिया में ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे राज क्या है, तो हम बता दें कि देखिए 20 अक्टूबर 2018 से इनके में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुछ काम चल रहा है, जिसके वजह से इनको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है और इसके लिए ओटीपी किसी के भी मोबाइल पे नहीं आ रहा है, जबकि मेरे भी मोबाइल पे नहीं आ रहा है। ठीक है, जब मैं जाता हूँ तो ओटीपी रिसीव भी करता हूँ तो भी नहीं आता है। और मैं बता दूँ कि मैंने कम से कम 50 प्रयास किया, फिर भी नहीं आया। तो फिर मैंने पता किया और उसके बाद 1 घंटे के बाद मेरे पर कमेंट आना चालू हो गया कि भाई मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहा है, ऐसा है। तब मैं समझ गया कि ऑल इंडिया में ऐसा हो गया है। तो मैंने मेल किया कस्टमर केयर में, मेल से हम जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख 2018 को ठीक हो जाएगा। मतलब आप 22 अक्टूबर 2018 से आप लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी आना चालू हो जाए। पर रुकी रुकी, अभी हम आपको बताने में 22 अक्टूबर के उन लोग बोल दिए हैं हमको, ठीक है, कि 22 अक्टूबर से आप लॉगिन करवा सकते हैं, मतलब लॉगिन हो जाएगा। पर आपको हम बता दें, इन लोग बोल तो दिए हैं कि 22 अक्टूबर से ठीक हो जाएगा, पर हम आपको बता दें कि देखिएगा 22 अक्टूबर को देखिएगा कि ये लॉगिन होता है, ओटीपी आता है या नहीं आता है। क्योंकि इन लोग जब टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना, तो इन लोग 24 घंटे में ठीक नहीं कर पाते हैं, हो सकता है 3 दिन भी लगा देंगे, 2 दिन भी लगा देंगे। और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है और कब तक इन लोग ठीक कर लेंगे इनके ऊपर है। और जब हमने पूछा कि कब तक आप ठीक करेंगे, तो इन लोगों ने बोला कि आप सुबह से आप लॉगिन कर सकते हैं 22 अक्टूबर 2018 से। तो देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं और ये सबकी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तीन लोग को जब भी ठीक होगा आपका ओटीपी आना चालू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।